कुक विद फरा को सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन को दबाइए, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भटूरे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं इसको बहुत इंस्टेंट तरीके से बनाऊंगी ताकि ये बहुत जल्दी और फटाफट बनकर रेडी हो जाए। ये देखिए, भटूरा हमारा बहुत अच्छा सा फूला फूला बनकर रेडी हुआ है। अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपका भी भटूरा बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर रेडी होगा। चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। भटूरे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 500 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि हाफ केजी मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लेंगे, 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 4 से 5 टेबल स्पून सूजी यानी कि रवा लेंगे, 50 ग्राम दही लेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, और यहाँ मैंने लिक्विम वाटर लिया है यानी कि गुनगुना पानी। इसी से डो तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा डो तैयार होता है। चलिए इसका डो बना लेते हैं। मैदा लेते हैं, उसमें नमक ऐड कर देना है, बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है, इसी के साथ इसमें रवा यानी कि सूजी ऐड कर देना है, और इसे हाथों से बहुत अच्छे से मिला लेना है। इसे सभी को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसी दरमियान इसमें ऑयल ऐड कर देना है। अब ऑयल के साथ सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब इसमें दही डाल देना है, और दही को मैदे में बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, क्योंकि इसमें दही भी है, इसमें ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना होता है। यहाँ आप गुनगुने पानी का ही यूज़ करिएगा, तभी हमारा डो बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। ना इसका हमें बहुत हार्ड डो तैयार करना होता है, ना बहुत सॉफ्ट डो तैयार करना होता है, मीडियम डो इसका हमें तैयार करना होता है। इसे हमें हाथों से पंच करते हुए इसे हमें गूंद लेना है बहुत अच्छे से। मीडियम डो इसका हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए, आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। ऑयल अप्लाई कर इसे हमें तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। ये देखिए, 1 घंटे हो चुके हैं इसको रेस्ट होते हुए। आटा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इस पर हमें थोड़ा थोड़ा पंच लगा देना है, जिससे कि इसमें जो एयर हो वो सही हो जाए। अब इस हमें हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है, और इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लेना है, और इसे हमें हलवाई स्टाइल से बनाना है, तो इसलिए हलवाई जैसा इसे हमें करना है। तो इसका हमें रोटी जैसा बॉल नहीं रेडी करना है, इसी तरह हमें हाथों से इसे इस तरह निकालना है, जिससे कि इसमें मिनिमम फोल्ड्स आए और भटूरा हमारा फूले। अगर ज़्यादा फोल्ड आ जाते हैं तो भटूरा हमारा फूलता नहीं है, इसलिए आप ये स्टेप ज़रूर से करिएगा, क्योंकि हलवाई लोग इसी स्टेप से बनाते हैं भटूरे। ये देखिए, बॉल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। सेम प्रोसेस से हम दूसरे बॉल को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इसका छोटा ना बहुत छोटा पोर्शन लेना है, ना बहुत बड़ा पोर्शन लेना है, पराठे के जैसा पोर्शन इसका हमें ले लेना है इसी तरह, और इसे हमें इसी तरह इसका निकाल लेना है। फिर दूसरा बॉल भी मैंने रेडी कर लिया। इसी तरह हमें सभी बॉल को रेडी कर लेना है, इसी तरह हमें सभी बॉल को रेडी कर लेना है। इससे हमें हमारे बॉल में बहुत फोल्ड नहीं आते और भटूरा हमारा बहुत अच्छा फूल कर रेडी होता है। सभी बॉल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलिए हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हमें रोलिंग सरफेस और रोलिंग पिन पर ऑयल अप्लाई कर लेना है। इसमें हमें ड्राई मैदा नहीं लगाना है। ये देखिए, अब बॉल लेना है और उसे हाथों से हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जिससे कि इसको रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप हाथों से जितना हो सके इसे बढ़ा लीजिए। अब हमें रोलिंग सरफेस पर इसे बहुत अच्छे से बेल लेना है। इसे हमें उलटते पलटते हुए अच्छे से बेल लेना है, ना इसे हमें बहुत पतला बेलना है, ना बहुत मोटा बेलना है, बस मीडियम ही हमें भटूरे को बेलना है। ये देखिए, इसी तरह हमें घुमाते हुए इसे बेल लेना है। चाहे इसे आप ओवल शेप में बेलिए या राउंड शेप में, यहाँ मैं राउंड शेप में इसे बेल रही हूँ। भटूरा हमारा रोल हो चुका है। ये देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छे से रोल कर लिया है। चलिए इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। ये देखिए, भटूरा हमारा बहुत परफेक्टली रोल हो चुका है। अब चलिए हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं।
एक पैन ले लेते हैं, उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से हीट कर लेना है। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ना बहुत हाई रखना है ना बहुत लो रखना है, नहीं तो भटूरा हमारा फूलेगा नहीं। और ये देखिए, अब इसमें हमें भटूरे को एक साइड से डाल देना है और भटूरे पर हमें स्पून से ऊपर से प्रेस करते रहना है जिससे कि भटूरा हमारा फूल जाए। ये स्टेप आप ज़रूर से करिएगा और थोड़ा थोड़ा गरम ऑयल इस पे ऐड करते रहना है। ये देखिए भटूरा हमारा कितना अच्छा फूल रहा है। इसी तरह हमें दूसरे साइड से भी भटूरों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए भटूरा हमारा कितना अच्छा फूल कर रेडी हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपका भी भटूरा बहुत अच्छा फूलेगा। ये देखिए भटूरा हमारा परफेक्टली डन हो चुका है। आप देख सकते हैं भटूरा हमारा कितना अच्छा फूला है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे भी भटूरों को फ्राई कर लेते हैं। दूसरे भटूरों को भी हमें सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। इस पे हमें स्पून से ऊपर से प्रेस करते रहना है जिससे कि भटूरा हमारा फूले। ये स्टेप आप ज़रूर से करिएगा और थोड़ा थोड़ा इस पे गरम ऑयल ऊपर से डालते रहना जिससे कि भटूरा हमारा बहुत अच्छे से फूल जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि भटूरे में होल्स वगैरह ना हो, नहीं तो भटूरा हमारा अच्छे से फूलता नहीं। दूसरा भी भटूरा हमारा बहुत अच्छे से फूला है। अगर आप मेरे मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी भटूरा बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगा। चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं भटूरा हमारा कितना अच्छा फूल कर रेडी हुआ है, ये बिल्कुल मार्केट जैसा। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा भटूरा बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। आप इसे छोले के साथ सर्व करिए। छोले और भटूरे का कॉम्बिनेशन बहुत ही डिलीशियस होता है। हमारा भटूरा बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा। छोले की रेसिपी का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से छोले की रेसिपी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर से करिएगा और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 टाइम सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।